साथियों, हर वर्ष 18 मई को हम लोग विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। तो ये किस तरह फैलता है, क्या इसके लक्षण हैं और किस तरह इससे बच सकते हैं और ये किस तरह हमारे शरीर को प्रभावित करता है, आइए जानते हैं जो कि समाचार पत्रों में इसके बारे में कहा गया। HIV संक्रमण रक्त, यौन संबंध सहित शारीरिक तरल पदार्थों के माध्यम से एक से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। HIV के संचरण के लिए शारीरिक तरल पदार्थ में वायरस की पर्याप्त संख्या होनी चाहिए। कई बार रोगियों में HIV संक्रमण की पहचान नहीं हो पाती। वायरस की संख्या कम होती है तो जांच में इसकी पहचान नहीं हो पाती। लक्षण क्या है कि 80% रोगियों में वायरस प्रवेश के 2 से 6 सप्ताह बाद एक्यूट रेट्रोवायरस सिंड्रोम नामक लक्षणों का एक समूह विकसित होता है। प्रारंभिक लक्षणों में बुखार, ठंड लगना, जोड़ों में दर्द, गले में खराश, रात में पसीना, ग्रंथियों का बढ़ जाना, लाल चकत्ते, थकान, वजन अचानक कम होना और मुंह में छाले शामिल है। कई बार लक्षण सामने भी नहीं आते। इसके साथ ही सफ़ेद कोशिकाएं बनती हैं निशाना। चिकित्सक कहते हैं कि शरीर में प्रवेश के बाद HIV वायरस तेजी से बढ़ने लगता है और इसे HIV की वजह से एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। हालांकि ये जरूरी नहीं कि सभी HIV रोगियों को एड्स हो। HIV से संक्रमित व्यक्ति में एड्स के लक्षण विकसित होने की आशंका तब होती है जब HIV संक्रमण से लड़ने के लिए उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत कमजोर होती है। पहली बार एड्स शब्द का इस्तेमाल 1982 में सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने किया था। 1983 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक स्तर पर स्थिति का आकलन करने के लिए एक बैठक की थी। 1987 तक का वक्त लगा और उसके बाद 1 दिसंबर 1988 को पहली बार विश्व एड्स दिवस मनाने की घोषणा हुई। साथियों, भारत में 1986 से पहले एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम पीड़ित की पहचान करने वाले एड्स सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा का कहना है कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस संचरण को रोकने और उसमें पीड़ित की देखभाल के तरीकों को अपनाने के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक सबूत है। 40 से भी ज़्यादा टीकों के ट्रायल चल रहे हैं और दिसंबर 2022 में बेल्जियम की कंपनी जेनसेन ने टीका अनुसंधान को अचानक रोक दिया और भारत पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ा। 2021 में जारी यूएन एड्स रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 3 करोड़ यानी लगभग 4 करोड़ लोग HIV एड्स से ग्रसित हैं। इनमें 15 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या 18 लाख, इनमें से 2.5 करोड़ रोग एंटी रोटरा वायरस थेरेपी प्राप्त कर रहे हैं और 15 लाख रोगियों की मौत सालाना दर्ज की जा रही है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि दुनिया में एड्स का पहला मामला सामने आने से लेकर अब तक 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों में वायरस की पुष्टि हुई, जबकि 3.5 करोड़ पीड़ितों की अब तक मौत हुई। तो साथियों, असुरक्षित यौन संबंधों के साथ साथ गलत तरीके से अगर एड्स पीड़ित रोगी का खून किसी के शरीर में चढ़ाया जाता है तो वो भी संक्रमित हो सकता है। छूने से, बात करने से, खाना खाने से, साथ खाना खाने से ये रोग नहीं फैलता। बचाव ही इसका इलाज है। सतर्क रहें, जागरूक रहें और बिल्कुल भी इस मामले में, जैसे कि हम बार्बर की दुकान पर जब शेव करवाते हैं तो ध्यान रखें कि ब्लेड नया हो और जब भी खून चढ़ाया जाए तो जानकारी होनी चाहिए कि उसकी उचित जांच की गई। तो इस बात को हम औरों तक पहुंचाएं और लोगों को जागरूक करें।